फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। इस चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ एसएससी सीएचएसएल का रीजनिंग का सेट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन को छांटना है। पहला ऑप्शन 1839 में एडवर्ड शाइमन ने पॉलिस्ट्रीन की खोज की थी। इसका प्रयोग प्लास्टिक और शेडी बॉक्सों के लिए किया जाता है। ये प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है। बोला गया सवाल कौन गलत है, तो तीनों का तीनों सही है, इसका मतलब कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पे कौन सा मॉडल कहा जाता है। जे थॉमसन द्वारा जो प्रस्तावित मॉडल है उसको किस मॉडल के नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है पाल्म एंड पुडिंग। तो ऑप्शन नंबर पाल्म एंड पुडिंग ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा एंजाइम है जो पुनरावृत्ति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने को उत्प्रेरित करता है। तो जो डीएनए मौजूद होते हैं हेलिक्स, उनको खुलने के लिए जो एंजाइम होता है वो हेलिक्स का ही दूसरा नाम है हेलिकेज एंजाइम। तो इसका राइट आंसर वो एंजाइम का पूछ रहा था कि वह कौन सा एंजाइम है जो पुनरावृत्ति के दौरान, मतलब कि लगातार अगर प्रक्रिया चलते रहे तो डीएनए में हेलिक्स के खुलने का उत्प्रेरित माना जाता है, उत्प्रेरित करता है, वो है हेलिकेज एंजाइम। हेलिक्स से बना है हेलिकेज एंजाइम। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हेलिकेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिससे संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का संवैधानिक सुविधा को भारत द्वारा उधार लिया गया था। वह कौन सा देश है जिसे संशोधन की प्रक्रियाओं के लिए संविधान सुविधाओं को भारत द्वारा उधार लिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में संविधान का संशोधन होता है, ये वाला बात किस देश ने अपनाया भारत से, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया में संविधान में संशोधन होता है इस प्रक्रिया को उसने दक्षिण अफ्रीका ने भारत से ही अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो संचार उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का उपयोग हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों को भेजने में करते हैं। इसका मतलब है संचार संकेतों को प्राप्त करने एवं पुनः निर्दिष्ट करने के लिए इसका हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो सैटेलाइट का यूज करते हैं क्यों, क्योंकि संकेतों को भेजने और प्राप्त करने में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस क्वेश्चन का सेट का सॉरी। बोला गया शीर्ष नियुक्ता संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से किसे वैश्विक सबसे बड़े नियुक्ता के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये कौन सा संस्थान है, संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से किसे वैश्विक सबसे बड़ा नियुक्ता के रूप में मान्यता दी गई है। तो उस वो होता है टीसीएस। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कि टीसीएस एक ऐसा संस्थान है जो वैश्विक सबसे बड़ा नियुक्ता के रूप में मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा टीसीएस। नेक्स्ट बोला गया कि एमएस डॉस क्या है। तो एमएस डॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रो सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मल्टी डिस्क, MS-DOS का माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट तो पावर पॉइंट होता है ना, तो इसका हो जाएगा दूसरा सही, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नोट मल्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में माना जाता है। तो पशु स्टार्च के रूप में माना जाने वाला वो एंजाइम है वो ग्लाइकोजेन है। याद रखिएगा पशु स्टार्च भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम, यानी कि मंगल ग्रह के कक्षा में सबसे पहले एशिया देश का जाने वाला जो मंगल परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशिया देश का नाम बताइए। तो वो है इंडिया, यानी कि प्रथम एशियाई देश जो मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में गया था वो है इंडिया। सबसे पहले एशिया महादेश में हम लोग, तो प्रथम एशियाई देश में कौन से हैं, तो एशियाई हैं इंडिया। सबसे एशिया देश में सबसे पहले इंडिया गया था मंगल ग्रह का परिक्रमा कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार में बाजार के लिए और देश का निवासियों द्वारा उचित आपूर्ति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सवाल ये बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक मजदूर हैं एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार के लिए देश के निवासियों द्वारा उचित आपूर्ति जो किया जाता है उसको किस शब्द से प्रयोग किया जाता है। तो उसको बोला जाता है अर्थव्यवस्था के लिए GNP यूज किया जाता है। GNP किसके लिए, तो जो श्रमिक द्वारा एक वर्ष में सभी वस्तुओं पर सेवाओं एवं बाजार के लिए देश के निवासियों द्वारा उचित आपूर्ति है उसको बोला जाता है GNP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आम चुनाव और संविधान में संशोधन कब किया गया था। तो भारत में जो सबसे पहले आम चुनाव है या संविधान में सबसे पहला संशोधन का बात किया जाता है तो वो 1951 में किया जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। यानी कि 1951 में दो बातें हुई थी, पहला आम चुनाव भी हुआ था और संविधान सभा में सबसे पहले संशोधन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए दस्तावेज है, दुर्लभ दस्तावेज है। तो ये वनस्पति के लिए भी है, जीव जंतु के लिए भी है और अन्य जीव जंतु के लिए भी है, यानी कि अदर लिविंग थिंग्स भी है। तो इसका ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा सभी से, यानी कि रेड डाटा बुक जो है वनस्पति के लिए भी यूज होता है, जीव जंतु के लिए भी होता है और अदर लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट ऋण किसे दिया जाता है, कॉरपोरेट ऋण किसे दिया जाता है। तो एक कंपनी को दिया जाता है, लिमिटेड कंपनीज को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ही दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। तो एक कॉरपोरेट ऋण जो है वो किसी न किसी लिमिटेड कंपनी को दिया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शहर को स्थापित किसने की, यानी दिल्ली शहर को स्थापित करने वाला वो व्यक्ति कौन था। तो वो है तोमर, तोमर ने दिल्ली शहर को स्थापित किया, वो है तोमर, तोमर याद रखिएगा, दिल्ली को स्थापित करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है। तो कौन सी किस्म, लिगेनाइट किस्म का तो कोयला होता ही होता है, आप जानते ही होंगे, बिटुमनी भी होता है, डोलोमाइट नहीं होता है, जबकि पीट जो है कोयले का ही किस्म है, यानी कि लिगनाइट, पिटूमनी, पीट ये सब कोयले का पार्ट है, बट डोलोमाइट कोयले का भाग नहीं है, कोयले का किस्म नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा। बोल रहा था कि कौन कोयले का किस्म नहीं है, तो डोलोमाइट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया, यानी अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल दर्शाया गया वो किस तिथि में, किस अवधि में। तो भारत में जो आपातकाल हुई थी वो अनुच्छेद 352 के तहत, वो डेट थी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, ऑप्शन नंबर दूसरा सही। यानी कि यह वह डेट है जो जिसमें यह 352 अनुच्छेद में बताया गया है कि वहाँ पे अनुच्छेद 352 में मतलब बताया गया है कि भारत में आंतरिक आपातकाल कब हुआ था, किस अवधि के बीच, तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ऊर्जा, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे जो मनाया जाता है वो है 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, ऊर्जा विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है, पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग से को प्रभावित करता है। तो पायरिया एक दांत का बीमारी है, तो पायरिया जो है दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, याद रखिएगा, पायरिया जो है वो दांत का बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह से मोतियाबिंद भी पूछा जा सकता है, तो मोतियाबिंद याद रखिएगा आँख की बीमारी है। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रधानमंत्री ऑप्शन दिया हुआ है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो जी हाँ, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट उनको मिलता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं,
कि किस तुर्की शासन ने भारत में 1000 से 1000 के ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया। तो आप जानते होंगे आय बढ़ती है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ती है, नकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट, नकारात्मक इफेक्ट पड़ती है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन पिमर्टन द्वारा स्थापित यह उत्पाद पूरे विश्व में ओके शब्द के बाद दूसरा सबसे अधिक समझा जाने वाला उत्पाद कौन सा है। बोल रहे कि 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन पिमर्टन द्वारा स्थापित एक उत्पाद था, पूरे विश्व में ओके शब्द से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो उसके बाद में उसको बोला जाता है कोका कोला। ओके के बाद ये दूसरा सबसे ज़्यादा समझा जाने वाला उत्पाद है, तो ये कोका कोला बहुत हिट हुई थी, उसके पहले ओके था, सबसे नंबर 1 पे, दूसरा पे आया कोका कोला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। तो किस मुद्रा में सारनाथ में पहला उपदेश दिया, तो वो है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेंगे सर, यहीं से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशों ने 5 मुख्य उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को ब्रिक्स का गठन किया, यानी कौन ऐसे ऐसे 5 देश हैं जो ब्रिक्स का गठन करने वाले देश हैं, तो वह हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला कौन कौन सा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 ऐसे देश हैं जिसने मिलकर ब्रिक्स का गठन किया, एक समूह है अर्थव्यवस्था का जिसका ये 5 देशों ने मिलकर गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम भी होते हैं, कोशिका झिल्ली भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, DNA भी होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका हुआ है उसमें नाभिक नहीं होती है, बाकी राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, DNA तो होते ही होते हैं। तो बोल रहा था कि कौन नहीं होता, तो राइट आंसर तीसरा बनेगा, नाभिक नहीं होता है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ इस सेट का 25 क्वेश्चन। आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।